इतना ज़्यादा घूम लिए हैं लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं आज पूरा घूमने का। और आप न्यू ब्लॉग और आ जाए हैं कहाँ हैं, गंगा पास, गंगा घाट, लेकिन आज गांधी घाट नहीं है, आज दिखाया जाएगा बहुत अच्छा अच्छा सीन, लेकिन ब्रेक के बाद। गंगा सेतु का काम बहुत ही अच्छा से चल रहा है और बिहार सरकार इस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया है और उम्मीद है कि 2-3 साल तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन व्यू बहुत ही अच्छा है। और साइड साइड में, बगल बगल में पेंटिंग भी बनाया गया है ताकि दीवार अच्छा लगे और गंगा नदी का घाट और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। और पेंटिंग में बहुत सा मैसेज भी दिया गया है, अगर आप आके ध्यान से देखिएगा तो, स्वच्छ भारत अभियान या फिर और सब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हर प्रकार का यहाँ पे एडवर्टाइज भी किया गया है। और लेकिन गंगा नदी का ये घाट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी फ़िलहाल हम लोग कृष्णा घाट पर पहुंच चुके हैं, कृष्णा घाट पे उतना भीड़ नहीं लगता है लेकिन फिर भी ये घाट बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा बहुत सा है। गंगा सेतु को पटना का मरीन ड्राइव भी बोला जाता है जो मुंबई में है, क्योंकि उसी के आधार पे ये बनाया जा रहा है। वहाँ पे समुंदर के बीच में निकाला गया था, यहाँ पे गंगा नदी के बीच में निकाला जा रहा है यह पुल, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे भाई लोग एक्सरसाइज कर रहा है, फिट इंडिया में जाना है ना। अरे वाह, पहले घाट बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ करता था लेकिन कुछ सालों से बिहार सरकार इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है और अभी बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है और ये बहुत ही अच्छा काम बोला जाएगा बिहार सरकार का। अभी घूमते घूमते बंसी घाट आ गए हैं, अब और आगे चलते हैं, देखते हैं आप लोग सीन, हाँ वो उसी का एंजॉय कीजिए और क्या, वरना आके आप लोग मजा लीजिए। अब हम आ गए हैं काली घाट में। काली घाट में अभी तो फिलहाल भीड़ नहीं है लेकिन वीकेंड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि यहाँ पे पूजा वूजा भी होता है और पूजा में तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लाइन लगना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये बनर्जी घाट है, बनर्जी घाट पटना नदी घाट में सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा घाट है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं हो पाता है क्योंकि ये मेन रोड से अलग है। मेन रोड जैसे एनआईटी घाट को ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे, क्योंकि मेन रोड से कनेक्ट है, लेकिन ये
बनर्जी घाट वैसा कुछ है नहीं तो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, फोटोग्राफी के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। ब्याह सरकार बहुत मेहनत किया है लेकिन कौन बोलता है कि पटना में पोल्यूशन है, ये देखो हरियाली हरियाली हरियाली, लेकिन ज़्यादा हरियाली मत देखिए, घाट को भी देखिए, घाट बहुत अच्छा है, सुंदर है। और आइए तो साफ रखिए, डस्टबिन का यूज़ कीजिए, जहाँ तहाँ कचरा ना फेंकिए। इतना इतना ज़्यादा घूम लिए हैं लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं आज पूरा घूमने का और आप लोग को दिखाने का। आप लोग इंतज़ार कीजिए, कोई नहीं है इधर, जो भी है सब पीछे साइड में है, इधर आगे मिल सकता है लेकिन मिलेगा नहीं, कल वीकेंड नहीं है आज। आप लोग रुको, ओ भाई साहब, ये देखिए छतरी नुमा, ये देखने में कितना खूबसूरत है, फोटोग्राफी के लिए तो कंटाफ है। यहाँ पे आइए और फोटो ना खिंचाइए तो फिर आके क्या किए आप, तो आइए आप और इन्जॉय कीजिए। घूमने के लिए बहुत कुछ है, आप आइए देखिए, बहुत बहुत अच्छा काम किया है बिहार सरकार, भले कुछ करे चाहे नहीं करे, घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप आइए अपना स्पेशल पर्सन के साथ, तब अच्छा लगेगा। और ऐसे सब तो स्पेशल ही होता है लेकिन कोई कोई होता है कुछ ज़्यादा स्पेशल होता है, आप लोग समझ ही गए होंगे। इधर कोई नहीं है, शाम हो चुका है, सब कुछ जा चुका है, लेकिन हमको तो ठंडा वंडा लगता है नहीं, इसीलिए हम आ गए हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग अब आगे चलते हैं, आप लोग इंतज़ार कीजिए। फोटो खिंचवाने के लिए लेकिन बहुत अच्छा है गंगा घाट, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।